हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया ये बॉर्डर जो कार्डिगन में ऑलरेडी बनाए हैं और जो कार्डिगन ऑलरेडी इसकी मेजरमेंट मेरी चैनल में डाला हुआ है, इसका ये बॉर्डर कैसे बनाए हैं ये बना के हम दिखाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर कार्डिगन में बैठने वाली या फिर फ्रॉक में बिठाइए, कहीं पर भी देखिए, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया बॉर्डर है। इस बॉर्डर को आप कैसे बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे, कितने फंदे लेंगे, ये टोटल आज बना के मैं दिखाऊंगी। तो बता दें फ्रेंड्स, इस बॉर्डर के लिए आपको 17 के मल्टीपल हो इस तरह का फंदा लेना होता है। 17 से मल्टीपल हो इस तरह का फंदा लीजिए, उसके साथ प्लस एक फंदा आपको ले लेना होगा। तो ठीक है, मैंने 17 के मल्टीपल फंदा लिए है, 34 और प्लस 1 30, टोटल 35 फंदे मैंने यहाँ पर उठा लिया है। तो देखिए, एक मैं टिप्स आपको बता दूँ, फंदे उठाने के बाद देखिए ये मेरा रॉन्ग साइड है, ये बॉर्डर देख कर आपको पता चलता है ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो ये डिज़ाइन राइट साइड से स्टार्ट होगा। अगर आपका ये पहले रॉन्ग साइड आता है तो आपको पहले एक उल्टा बुनाई कर लेना होगा। अगर आपको राइट साइड आता है तो आप वहीं से डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा रॉन्ग साइड है, इसीलिए मैं ये जो फंदा, ये जो 35 फंदा है, सबको मैं इस तरह से उल्टा बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट रॉ दिखाऊंगी। ये थोड़ा फर्स्ट रॉ नहीं है, ये तो आपके हिसाब से ये रॉ बनेगी। अगर उल्टे में आए तो ये रॉ बनाएंगे, अगर सीधे में आए तो डायरेक्ट फर्स्ट रॉ बन जाएगी। तो ठीक है, ये सारे 35 फंदे जो हैं इसको मैं उल्टा बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक अभी सीधे रॉ में आ गए हैं, अभी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो पहले आपको बता दे, ये जो डिज़ाइन है थोड़ा टफ है, इसके लिए आपको हर एक रॉ बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को कट मत करके बहुत ही अच्छी तरह से एक एक सेकंड देख लीजिए कैसे बनाते हैं। देखिए फर्स्ट रॉ में आपको स्टार्टिंग फर्स्ट रॉ इस तरह से बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो आपका एज स्टिच जो है आपको इस तरह से उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इस फंदे को, ये जो दोनों फंदा है, दोनों फंदे को इस तरह से एक इकट्ठा बुनेंगे। उससे पहले ये जो पहला वाला फंदा है इसको इस तरह से निकाल के घुमा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों फंदा इकट्ठा बनाएंगे। दोनों फंदा इकट्ठा बनाया, उसके बाद देखिए दो फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, उनको पीछे किया और एक फंदा सीधा, ठीक है। पहले क्या किया, एक फंदा एज स्टिच उतारा, दो फंदा इकट्ठा बनाया सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनाएंगे। जाली डली, एक फंदा सीधा बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो घटाया था तो यहाँ पर जाली डाल के एक फंदा बढ़ा दिया तो बराबर हो गया। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और जाली भी डलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। अब देखिए क्या करना है, अब ये जो दोनों फंदा है इसको निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल के फिर
यहाँ पे डाल देंगे। डाल दिए। तो इसके बाद ये जो तीनों, ये दोनों फंदा जो डाले अभी, देखिए ये दोनों फंदा और ये जो इसका, और मतलब तीन, टोटल तीन फंदा पीछे से इकट्ठा बनाएंगे। फिर उनको अपनी तरफ किया, दो फंदा उल्टा पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ करके दो फंदा उल्टा बैक किया, एक फंदा सीधा। अब इसके बाद देखिए फिर से जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से अपनी तरफ करके जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनाएंगे। हो गया। अभी देखिए दो फंदा उल्टा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से अपनी तरफ करके दो फंदा उल्टा। अभी उनको पीछे करके देखिए, यहाँ पर दो फंदा लास्ट का इकट्ठा किया था, यहाँ पर भी सेम करेंगे तो इस साइड से करेंगे। लास्ट का ही एज स्टिच इसको सीधा बना लेंगे। ये कंप्लीट होती है फर्स्ट रॉ। अभी देखिए सेकंड रॉ में आइए। सेकंड रॉ में आपको हर बार क्या करना होता है, जो सीधा है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा है, जो जैसे दिखता है उसे ऐसे ही बनाएंगे। ये सेकंड रॉ है, इसमें थोड़ी पहचानने में आपको दिक्कत होगी, बट जब ये कुछ देर तक बनता जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं बनाती हूँ एक फंदा उल्टा, एज स्टिच उतारा, उसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा, दो फंदा ये जो सीधा दिख रही है, दो फंदा सीधा, उनको वापस करके देखिए उल्टा दिख रहा है, एक फंदा उल्टा दिखा, ये दो फंदा सीधा दिखता है। फिर मिडिल का देखिए, एक फंदा उल्टा, ये जाली वाला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा और एक जाली वाला फंदा उल्टा उसके साथ, और एक फंदा उल्टा। टोटल फाइव फंदे मैंने यहाँ पर देखिए उल्टा बना लिया। 1 2 3 4 5, पांच फंदा आपको याद रखना होगा, पांच फंदा उल्टा। फिर से दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। अभी देखिए उसके बाद पांच फंदा उल्टा, जो जाली वाला आता है, एक फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा उल्टा और एक फंदा, टोटल पांच फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदे ये दो फंदे सीधा बनाएंगे, एक फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधा बनाएंगे और ये लास्ट का एक फंदा उल्टा और एक एज स्टिच भी इसको उल्टा बना लेंगे। देखिए ये सेकंड रॉ कंप्लीट हुई डिज़ाइन के बाद। अभी देखिए ये थर्ड रॉ है। थर्ड रॉ में भी सेम एज स्टिच उतारेंगे, उसके बाद देखिए ये दोनों फंदे आपको इस तरह से सीधा बनाना है, तो बैक से बनाएंगे इसको, इस तरह से घुमा लेंगे और ये बैक से, इसको दो फंदा इकट्ठा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा होता है हमारा, एक तो हमने बना लिया इसके साथ, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा वापस करेंगे, देखिए दो फंदा उल्टा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अभी देखिए पिछले बार हमने यहाँ पर जाली डाले थे, अभी भी यहाँ पर जाली डलेंगी, बट आपको याद रखना होगा फर्स्ट में जाली डालेंगे और इसके यहाँ पर दो साइड में जाली डलेगी, जो देखिए दो साइड में जाली डलेगी, डिज़ाइन चलता जाएगा। यहाँ पर हम जाली डाल रहे हैं, दो दो साइड में जाली डलेगी और मिडिल में कोई भी जाली डलेगी, बट मिडिल में
डिज़ाइन सिर्फ बनेगा, फंदा बढ़ेगा नहीं, दो साइड में सिर्फ फंदा बढ़ेगा। तो यहाँ पर फंदा बढ़ाऊंगी मैं इस तरह से, देखिए उनको अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। लास्ट में जाली डलेगी, मिडिल में नहीं डलेगी, इसलिए देखिए उनको अपनी तरफ करेंगे बट दो फंदा इकट्ठा बनाएंगे पीछे से। तो मतलब देखिए यहाँ पर जाली भी डलती है और दो फंदा इकट्ठा बनाते हैं, तो मतलब एक फंदा घट भी जाता है तो बराबर रहता है। तो यहाँ पर जाली डलेगी, सिर्फ एक फंदा जाली डल के एक फंदा सीधा, उसके बाद दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और यहाँ पर एक फंदा अभी उल्टा बनेगा। मिडिल में हमने तीन फंदे बनाए थे, अभी भी तीन फंदे बनाएंगे, इसलिए एक फंदा उल्टा बनाया। उनको पीछे किया उस तरह से ही करेंगे, दो फंदा को पहले इस तरह से निकाल लेंगे फिर डालेंगे, डालते हुए तीन फंदे इकट्ठा पीछे से बनाएंगे। उसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा आता है, एक फंदा सीधा, पीछे करेंगे दो फंदा उल्टा, पीछे करके देखिए एक फंदा सीधा बनाया। अभी सेम यहाँ पर यहाँ की तरह जाली डलेगी, एक फंदा उनको अपनी तरफ करके एक जाली डला, एक सीधा बनाया, फिर उनको अपनी तरफ किया बट दो फंदे इकट्ठा पीछे से बना लिया, मतलब जाली भी डली और घटी भी। और यहाँ पर एक फंदा जाली डला और एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनेगा और ये दोनों एक साथ बनेगा इस तरह से। थोड़ा ढील कर लेंगे, लूज़ करके इकट्ठा उनको पीछे करेंगे, जाली नहीं डलेगी। इकट्ठा बना दिया और एज स्टिच इसको सीधा बना लेते हैं, ठीक है। अभी फोर्थ रो में क्या करना है, जो जिस तरह से अभी आपको मालूम पड़ेगा, जो जिस तरह से दिख रहा है उसे हम उस तरह से बनाएंगे। मतलब देखिए एक फंदा उतारा और एक फंदा दिख रहा है उल्टा, अभी देखिए ये एक फंदा सीधा दिख रहा है बनाया, उसके बाद एक फंदा उल्टा दिख रहा है, अभी देखिए यहाँ पर दो फंदा सीधा दिख रहा है। उनको अपनी तरफ करके यहाँ पर देखिए पहले पांच फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, अभी देखिए सात फंदे, दो फंदे बढ़ रहे हैं, एक जाली वाला फंदा, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात फंदा, सात फंदा उल्टा बना, इसके बाद दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। फिर से देखिए यहाँ पर सात फंदा उल्टा बनेगा, एक फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा उल्टा, दो, तीन फंदा उल्टा, ये चार जाली वाला फंदा उल्टा, पांच फंदा उल्टा और ये छः जाली वाला फंदा उल्टा और एक सीधा और एक फंदा उल्टा, सात फंदा उल्टा हुआ। उसके बाद दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदा उल्टा और एक एज स्टिच इसको उल्टा बनाया। अभी देखिए ये फिफ्थ रॉ है, यहाँ का डिज़ाइन भी देखिए इस तरह से ही बनेगा, चलता जाएगा, जाली बढ़ेगी और घटती जाएगी। तो ये भी गौर से ये रॉ भी देखिए, एज स्टिच उतारा, उसके बाद देखिए फिर से ये दो फंदा इकट्ठा बनाएंगे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे और बैक से दो फंदा उल्टा, यहाँ से बैक से कर रहे हैं और लास्ट में हम अपनी तरफ फ्रंट से कर रहे हैं। उसके बाद एक फंदा सीधा, ये दो फंदे उल्टे,
ठीक है, बैक किया, देखिए एक फंदा सीधा बनाया, यहाँ पर जाली डलेगी, जाली डलेगी, एक फंदा सीधा बनाया, उनको अपनी तरफ करके जाली भी डलेगी और दो फंदा इकट्ठा भी बनाएंगे, तरह से पीछे से बनाया, ठीक है। फिर से उन अपनी तरफ किया, जाली भी डला और एक फंदा दो फंदा इकट्ठा बनाया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में जाली डला, पहले जाली डला एक फंदा बनाया, अभी लास्ट में भी जाली डलेगी एक फंदा बनाएंगे सीधा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो फंदा उल्टा आता है और एक फंदा सीधा आता है। उसके बाद फिर से ये तीन फंदे हम इकट्ठा बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। इसके लिए इन दोनों को इस तरह से निकाल लेंगे, फिर डाल देंगे और तीन फंदा इकट्ठा बैक से बनाया। उसके बाद एक फंदा सीधा बनाया, दो फंदा उल्टा पीछे किया, एक फंदा सीधा। उसके बाद देखिए जाली डलेगी, एक फंदा सीधा बनेगा, अभी जाली डलेगी मिडिल में, दो दो फंदा सीधा बनेगा, ये जो एक फंदा दो फंदा इकट्ठा सीधा, फिर जाली डलेगी दो फंदा इकट्ठा सीधा, ठीक है। अभी जाली डला एक फंदा सीधा, अभी देखिए दो फंदा उल्टा पीछे किया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, नहीं उल्टा नहीं बनाएंगे, दोनों इकट्ठा बनाएंगे इस साइड से, और ये लास्ट का एज स्टिच इसको सीधा। अभी देखिए यहाँ पर जो जाली हमारी डली थी पिछले बार, यहाँ पर हमने बैक साइड से सात फंदा उल्टा बनाए हैं, अभी नौ फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए किस तरह से एज स्टिच उतारा, उसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा, देखिए एक फंदा, इसके बाद एज स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा बनाया था और एक फंदा उल्टा, मतलब दो फंदा उल्टा बनाया और दो फंदा सीधा बनाया। इसके बाद देखिए नौ फंदा उल्टा बनाएंगे, एक जाली वाला, दो तीन जाली वाला, चार पाँच जाली वाला, छः सात जाली वाला, आठ और ये ऐसे ही नौ, नौ फंदा उल्टा बनाए। उसके बाद देखिए दो फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, एक और एक, दो फंदा उल्टा बनाया और ये मिडिल का, ये तीन फंदा उल्टा बनाया, मतलब मिडिल में जो यहाँ पर सीधा था वो तीन फंदा भी यहाँ पर उल्टा बना। उसके बाद दो फंदा सीधा, जो जैसा आपको दिख रहा है वैसे यहाँ पर देखिए नौ फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदा। उसके बाद देखिए दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा और ये एज स्टिच भी उल्टा, सिक्स रॉ कंप्लीट हो गई। अब देखिए सेवेंथ रॉ है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंदा एज स्टिच उतारा, इसके बाद देखिए ये दोनों इसको इस तरह से घुमा लिया, अभी बैक से दो फंदा इकट्ठा सीधा बनाया, उसके बाद एक फंदा उल्टा और एक फंदा उल्टा, मतलब दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाया। अभी जाली डलेगी यहाँ पर,
देखिए, जाली डला और एक फंदा सीधा बनाया, फिर से जाली डला, बट अभी देखिए एक बात आपको बता दूं, जाली डल रही है बट दो फंदा इकट्ठा, मिडिल का कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा। अगर जाली डलेगी तो दो फंदा हमें एक साथ इस तरह से बना लेना है, नहीं तो आपका फंदा बढ़ जाएगा और डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा। नहीं, बैक से बनाना होता है, इस साइड का बैक से बनेगा, फिर दो फंदा इकट्ठा, मिडिल का भी बैक से बनेगा। और इस साइड का आप चाहो तो फ्रंट से बना सकते हो, बट मैं बैक से ही बनाऊंगी। जाली डली और दो फंदा इकट्ठा बनाया, मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स इस तरह से किया, जाली भी डली, दो फंदा इकट्ठा इकट्ठा बनाया, 3 बार हुआ। अभी फिर यहाँ से जाली डलेगी और एक फंदा सीधा, ठीक है, उसके बाद दो फंदा उल्टा। देखिए यहाँ पर 3 फंदा सीधा दिख रहा है, इन तीनों को हमें सीधा इकट्ठा बनाना है, इसलिए दो फंदा इस तरह से निकाल लेंगे, इसको अंदर डालेंगे, उसके बाद 3 फंदा इकट्ठा, ठीक है, उसके बाद दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए जाली डलेगी और एक फंदा बनेगा, फिर से जाली डलेंगी, दो फंदा इकट्ठा बनेगा, फिर से जाली डलेगी और दो फंदा इकट्ठा बनेगा, फिर से जाली डलेगी, दो फंदा इकट्ठा बनेगा, 3 टाइम होगा। ठीक है, अब जाली डलेगी सीधा, उसके बाद देखिए दो फंदा उल्टा बनाएंगे, और ये जो सीधे फंदे हैं दोनों इकट्ठा बनाएंगे, इस साइड से बनाया और एज स्टिच इसको सीधा बना लिया। अब यही ड्रॉ मैं नहीं बताऊंगी, यही ड्रॉ आपको उस तरह से सेम जो जैसे दिख रहा है सीधा और उल्टा। यहाँ पर मिडिल में देखिए जाली हमने नेक्स्ट टाइम में 9 बनाए थे, अभी 11 बनेगा, उल्टा फंदा 11 बनेगा। इस तरह से ये रॉ आप जो जैसे दिख रहा है उस तरह से कंप्लीट कर लीजिए, 8 रॉ है, उल्टे रॉ उस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए रॉ नंबर 9 है, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, एक फंदा सीधा बनाया, उसके बाद स्टार्टिंग में हर बार इस तरह से होगा जो होते आ रहा है, दो फंदे इकट्ठा पीछे से, उसके बाद एक फंदा उल्टा, पीछे किया, एक फंदा सीधा। अभी जाली बनेगी, उस टाइम में मैंने 3 टाइम दो फंदा इकट्ठा इकट्ठा बनाया था, अभी देखिए 5 टाइम बनेगा, जाली डली, एक फंदा सीधा बनाया, अभी देखिए उनको अपनी तरफ करके, जाली भी डलेगी, दो फंदा इकट्ठा एक बार, इससे जाली भी डली, दो फंदा इकट्ठा, दो बार, इससे जाली भी डली, दो फंदा इकट्ठा, 4 बार, जाली भी डली, दो फंदा इकट्ठा, 5 बार बना लिया, 5 टाइम, ठीक है। अभी जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनेगा, इसके बाद देखिए ये सीधा या दोनों उल्टा एक साथ 3 फंदा होगा, इसलिए इस तरह से निकाल लेंगे, फिर डालेंगे, उसके बाद 3 फंदा इकट्ठा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, और यहाँ पर जाली डलेगी, एक फंदा सीधा,
जाली बनाया और एक फंदा सीधा बनाया। अभी देखिए उस तरह से जाली भी डलेगी, दो फंदे इकट्ठा, पांच बार होगा। जाली भी डलेगी, दो फंदा इकट्ठा बना, दो बार जाली डली, दो फंदा इकट्ठा, तीन बार जाली भी डलेगी, दो फंदा इकट्ठा, चार बार जाली भी डलेगी, एक दो तीन चार पांच बार हो गया। अभी जाली डली, एक फंदा सीधा, देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, अभी दो फंदे इकट्ठा बनाएंगे इस साइड से, राइज स्टिच इसको सीधा बनाएंगे। अभी देखिए ये 10 नंबर रो, आप अपने हिसाब से जो जैसे दिख रहा है उस तरह से ये बैक कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ इस बार यहाँ पर ख्याल रखना होगा, ये उल्टे बुनाई में ये जो जाली वाला फंदा है तो ये 13 बनेगा, पिछली बार 11 बना था, अभी 13 फंदा जाली वाला बनेगा। अभी देखिए ये रो नंबर 11 है, यहाँ पर आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा, मतलब 12 रो बनाने के बाद आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो देखिए किस तरह से एक फंदा उतारा, इसको इस तरह से निकाल के रख के देखिए दो फंदा इकट्ठा बनाया, जो जैसे बनाते हुए आए हैं, ठीक है। एक फंदा सीधा बनाया, अभी देखिए यहाँ पर जाली डलेगी, पिछले बार जाली भी डली, पांच बार, दो बार दो इकट्ठा बनाया, इस बार देखिए 7 बार होगा, 7 टाइम जाली भी डली, दो फंदा इकट्ठा, एक दो फंदा इकट्ठा, जाली डली, दो दो फंदा इकट्ठा, जाली डली, तीन, चार, पांच, सॉरी पांच बना, सात नहीं, सॉरी पांच बनेगा। अभी देखिए उनको अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर तीन फंदे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसको तीनों इकट्ठा बनाएंगे इस तरह से, तीन फंदा इकट्ठा। तो आपको कैसे समझ आएगी बता देते हैं, ये रो कंप्लीट कर ले, उसके बाद एक फंदा सीधा। देखिए आपको ख्याल रखना होगा, ये जो तीनों फंदा सीधा इकट्ठा अपने आसपास आ जाए तो आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए ये तीनों फंदे इकट्ठा आसपास आ गए, तो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट में आप जो भी चाहे डिज़ाइन आप डाल सकते हो उसके ऊपर। तो देखिए अभी एक फंदा सीधा बनाया और इकट्ठा पांच बार बनाएंगे, एक जाली डली, दो फंदा बने, दो, तीन, चार और ये पांच। ये अगर थोड़ा टाइट होगा तो इसको ढील कर लीजिए। जाली डलेगी, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा,
लास्ट का दो फंदा सीधा। अब देखिए डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई आपका। अभी आप बैक में जो जिस तरह से उस तरह से बना लेंगे, उसके बाद फ्रंट में आके आप जो भी चाहे आपका हिसाब के मुताबिक आप डिज़ाइन डाल सकते हो। तो 12 रो में ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन डाले हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से डिज़ाइन डाल लीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे कार्डिगन, कोई भी पोंचू वगैरह या फिर फ्रॉक में डालिए, बहुत सुंदर आएगा जाली वाला डिज़ाइन। बनाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।